हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों ये सेकंड सेशन है। इससे पहले हम लोग सेल एंड बैटरी का पूरा मतलब कंप्लीट अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग इंडक्टर का। ये मैग्नेटिज्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे फार्मूला हो गया, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, परमिबिलिटी हो गई, कौन कितना होता है, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं। तो आइए हम लोग इसके सेकेंड चैप्टर बात करते हैं। और देखिए, जैसे नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट जो होता है, देखिए या फिर थ्री ओ फोर होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि नेचुरल मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, ये या फिर थ्री ओ फोर होता है। देखिए इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर का मेन काम क्या होता है, ये अपने अंदर होने वाले जो करंट में परिवर्तन होते हैं मतलब चेंजिंग होती है उसका अपोज करता है। तो मतलब कि जैसे देखिए डी आई बाई डी टी होता है ना, डी आई बाई डी टी क्या है, रेट चेंज ऑफ करंट है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन बाई एल के। मतलब जितना ये ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू इतनी कम होगी, इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जब वैल्यू बढ़ेगी तो इसको ये अपोज करेगा। तो यहाँ से देखिए हम ना, इंडक्टर का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, अपने अंदर करंट चेंजिंग का अपोज करना होता है। इसके लिए फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस शार्ट नोट्स की तरह पढ़ेंगे पूरा अच्छे से जल्दी से रिवाइज करने के लिए। तो देखिए इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है, एन फाइव बाई आई होता है, एन स्क्वायर बाई रिलेक्टेंस होता है। और रिलेक्टेंस का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि एल डिवाइडेड बाई म्यू जीरो म्यू नाट ए होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो इसको एल नीचे रह जाएगा, आपका म्यू जीरो म्यू नाट एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस इज इक्वल टू एल इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है, डी आई बाई डी टी होता है। तो वहाँ से हम इसको एल से निकाल सकते हैं, ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है हेनरी होती है। इनके ई इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है। ई जो होता है ये लेंज के नियम से होता है, और इसके बाद एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये फ्लक्स रेट ऑफ फ्लक्स होता है डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, यहाँ म्यू म्यू नाट क्या है, देखिए परमिबिलिटी ऑफ एयर है, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है। और उसके बाद म्यू आर की जो जो वैल्यू होती है, देखिए म्यू नाट की जो वैल्यू होती है 4.2×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में पूछता रहता है। तो इसके बाद देखिए अगर ये इंडक्टेंस कोई सर्कुलर डिस्क है उसका इंडक्टेंस निकालने के लिए अगर हमको बोलता है तो उसका फार्मूला जो होता है म्यू नाट पाई एन स्क्वायर आर बाई टू होता है। ठीक है, इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए देखिए, चलिए अच्छा यहाँ हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट में क्या होता है, देखिए आई इज इक्वल टू जो करंट होता है, आई इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रल ऑफ जीरो से टी, मतलब कितने टाइम तक हम इसको मतलब करंट फ्लो करा रहे हैं वो इंटू वोल्टेज में, कितना वोल्टेज में चेंजिंग हो रहा है वो। तो वी एल डी टी प्लस आई टी नाट मतलब टी जीरो माइनस हो जाए इस पर, मतलब निगेटिव कहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, देखिए अगर इसमें कंडीशन कह रहा है, जैसे बोलता है कि उन करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, कौन सा वोल्टेज सोर्स की तरह, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर कोई इनिशियल कंडीशन दिया है या कुछ इनिशियल कंडीशन दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए टी बराबर जीरो पर जैसे ही मतलब इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा तो उस पर हमारा जो टी बराबर जीरो मतलब कि जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो जो हमारा इंडक्टर होता है वो करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट टाइम पर जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे देखिए विदाउट अगर इनिशियल कंडीशन है तो यहाँ टी बराबर इनफाइन मतलब जीरो होता है, टी बराबर जीरो पर तो इंडक्टर में मतलब इनिशियल कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है। और ये टी बराबर इनफाइनाइट पर तो ये मतलब शॉर्ट सर्किट तो है ही ऑलरेडी। स्टोर एनर्जी जो होती है हाफ एल आई स्क्वायर होती है। देखिए स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए और आइए हम लोग यहाँ देखते हैं इसके आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए यम इक्वल टू एन टू फाइव टू, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स फ्लक्स है लिंकेज इंटू नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई प्राइमरी करंट से, मतलब कितनी करंट जो इंड्यूज होकर हो रही है होता है। तो एन टू फाइव टू डिवाइड बाई प्राइमरी करंट का करंट होता है, मतलब म्यूचुअल के कारण जो होता है फ्लक्स करंट होता है वो है। इसके बाद ई टू अपॉन डी आई वन बाई डी टी होता है। ठीक है, अगर कोई मतलब टू प्लेन सर्कुलर डिस्क कॉइल है या डिस्क है तो उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट पाई एन वन एन टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई आर वन। ठीक है, आर वन आर टू कॉइल का रेडियस होता है। देखिए कपलिंग कोफिशिएंट से क्वेश्चन पूछता है, इसे न्यूमेरिकल कभी कभी आता है, मतलब न्यूमेरिकल कभी कभी क्या लगभग पूछता रहता है। जैसे पहली बार तो फार्मूला याद रखिए, देखिए के इजकल टू यम डिवाइडेड बाई एल वन एल टू। देखिए याद करने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ, एक लगभग 70 से 80% तक जो होते हैं जो जैसे लेटर जो होते हैं बाद में आते हैं, जिसके यम देखिए बाद में आता है तो ये ऊपर रहेगा हमेशा, और उसके बाद L1 L2 अंडर रूट में L1 L2 तो है ये मतलब पहले आते हैं तो ये नीचे रहेंगे, तो मतलब ये कम होता है इसको नीचे, ये बाद वाले जो लेटर होते हैं उसको यम को पहले। ठीक है, जैसे के की वैल्यू देखिए क्या होती है, के की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लेस देन वन होती है। ठीक है, ये उसका अगर के इजकल टू वन हो गया तो ये आइडियली या परफेक्टली कपल्ड होता है, मतलब बहुत उसकी कपलिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, टाइटली कपल्ड होता है।
अगर के बराबर जीरो है तो वह क्या है, देखिए टी अगर के इजकल टू जीरो है तो आइसोलेटेड है या नो कपलिंग है, उसमें मतलब कोई कपलिंग नहीं है। इसके बाद देखिए डॉट और क्रॉस का कंसेप्ट पूछता है, तो देखिए जैसे होता है जिस सिरे से करंट इंटर करेगी वहाँ पर डॉट बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब ये थंब रूल है कि जिस सिरे से करंट इंटर करेगा वहाँ पर डॉट बनेगा और वह क्या होगा, वो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, और जहाँ से करंट लीव करेगी वहाँ पर क्रॉस बनेगा, ठीक है, और क्रॉस बनेगी और वो यस पोल होता है। देखिए कॉम्बिनेशन में देखेंगे, अगर आप कॉम्बिनेशन में तो सीरीज देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है एल इक्विवेलेंट बराबर एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एल इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू प्लस वन बाई एल थ्री होता है। इसके बाद देखिए आपका ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप मतलब सीरीज में कई कॉइल आपस में कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो अगर एडिंग पोलर टीम रहेगी तो एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम, अगर अपोजिटिंग पोलर टीम रहेगी, अपोजिटिंग पोलर टीम मतलब होता है जैसे यहाँ से ये है ऐसे दो अगर कॉइल जुड़े रहेंगे तो एडिंग पोलर टीम मतलब यहाँ से करंट यहाँ पर डॉट होगा तो यहाँ वाले सेकंड वाले पर भी डॉट होगा। तो फिर देखिए यहाँ पर अपोजिटिंग अपोजिट अगर पोलरिटी में जुड़े हैं तो एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, देखिए एल एच एल टू एल वन प्लस एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम, ठीक है, अपोजिटिंग पोलरिटी में होगी एल वन प्लस एल टू एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम हो जाएगा। एम्पियर लॉ देखिए क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच एलॉन्ग एनी क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच एलॉन्ग एनी क्लोज पाथ इक्वल टू करंट होता है, मतलब कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच एच क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच डीएल के लेंथ के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इक्वल टू आई, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है। तो ट्रांसमिशन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट होता है करंट की डायरेक्शन होता है हम किससे निकालते हैं, तो एम्पियर लॉ से निकालते हैं, एम्पियर सर्क्यूट लॉ से, ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए चार्जिंग ऑफ इंडक्टर चार्जिंग इक्वेशन जो होता है इंडक्टर क्या होता है, आई एच एल टू आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाऊ, टाऊ की वैल्यू क्या होती है, टाऊ की वैल्यू होती है एल बाई आर होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो एल बाई आर होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट सेकेंड में होती है, ठीक है, अगर वोल्टेज में देखेंगे तो वी इजकल टू वी नॉट वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाऊ होती है। देखिए प्योर इंडक्टर अगर है, ये यूपीपीसीएल क्वेश्चन है, अगर प्योर इंडक्टर है अगर इंस्टेंटली चार्ज किया जाए तो वहाँ करंट मतलब इंस्टेंटली अगर चार्ज करना हो तो उसको हम आइडियल करंट सोर्स करेंगे, तो अगर आइडियल करंट सोर्स को अप्लाइड कर दिया जाए इंडक्टर के क्रॉस तो तुरंत चार्ज हो जाता है। डिस्चार्जिंग कंडीशन में इंडक्टर का इक्वेशन जो होता है वी इजकल टू माइनस वी नॉट एक बार माइनस टी बाई टाऊ होता है, टाऊ की वैल्यू क्या होगी एल बाई आर होगी, ठीक है, आई इजकल टू आई नॉट एक बार माइनस टी बाई टाऊ होगी, ठीक है। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट आता है, जैसे टेम्परेरी मैग्नेट कौन कौन किस किस से बनाए जाते हैं, तो टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, सिलिकॉन स्टील होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन स्टील होते हैं, ये सब यूज कहाँ करते हैं, देखिए जैसे ट्रांसफार्मर भी बनाने के लिए, मोटर में, जनरेटर में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, इन सबको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करते हैं फिर डीमैग्नेटाइज हो जाए। और देखिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए देखिए निकल, आयरन, कोबाल्ट, स्टील, एल्निको, इन सभी बनाते हैं। देखिए यूज कहाँ करते हैं, लाउड स्पीकर में, थर्मल पावर प्लांट के, देखिए उसमें जो सेपरेटर होता है थर्मल पावर प्लांट में चिमनी में, जैसे उसमें अगर डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो सेपरेटर से हम उसको क्या करते हैं, मतलब कि उस पर लगा के उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको नीचे सब मतलब गिरा देते हैं। तो इसकी कभी कभी पूछता है जो थर्मल पावर प्लांट में सेपरेटर होता है तो उसका उस पर वोल्टेज कितना होता है, तो 6.6 किलो वोल्ट होता है पीएमसी में। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, देखिए ऐसे टेम्परेचर मतलब क्यूरी टेम्परेचर होता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं, ये 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे देखिए आपका ये आयरन है, आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, निकल के लिए 358 होता है, कोबाल्ट के लिए 1121 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर आपका आ गया मैग्नेटिक मटेरियल में होते हैं, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल ये सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एक क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जैसे अगर मैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, परमिबिलिटी वो एक से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक से बहुत ज़्यादा रहेगी। तो एग्जांपल में क्या क्या होता है, देखिए आयरन होता है, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील आदि होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसकी जो परमिबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी, वह एक से थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक से थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है या पॉजिटिव होती है। इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए एल्युमिनियम, एंटीमनी, मैग्नीज, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, एयर, याद करने के लिए देखिए 3A, 3A से क्या हो गया, एल्युमिनियम, एंटीमनी, एयर हो गया, याद करने के लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल देखिए एक से कम होता है, डी से डायमैग्नेटिक, डी से डाउन होता है, तो मतलब एक से कम होगा, डाउन रहेगा, ठीक है। यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आपका डायमंड हो गया, देखिए डायमंड को याद कर लीजिएगा, साल्ट को, वाटर को, ठीक है, बिस्मथ को, HG को, गोल्ड को,
ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल है और इन सबको मतलब पूछे जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। देखिए जैसे लकड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, माइका हो गया, इन सब के लिए देखिए फ्लक्स जो होती है फ्लक्स इक्वल टू 5/5 ए होता है ये, या तो फिर फ्लक्स इक्वल टू MMF1 रिलक्टेंस होता है। यूनिट क्या होती है? वेबर होता है। ठीक है, यह करंट का एनालॉगस होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कूलम्स लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो होते हैं इसका, देखिए एफ इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट म्यू आर M1 M2 अपन डी स्क्वायर होता है। देखिए म्यू आर की वैल्यू जो होती है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, या फिर वेबर पर एम्पियर टर्न होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये यूनिट मैग्नेटिज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल में यूनिट सभी के, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू जीरो म्यू आर होती है। म्यू आर की वैल्यू जो देखिए यहाँ से, तो बी इक्वल टू म्यू एच होता है। एयर ग्रैप फ्लक्स जो होती है, फ्लक्स जो होती है ग्रुप ऑफ लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को वेबर में होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए एक वेबर अबाउट 10⁸ मैक्सवेल होती है। ठीक है, वेबर जो होता है देखिए बी इक्वल टू 5/a होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला इसकी यूनिट होती है फ्लक्स डेंसिटी की। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को 1 टेस्ला बोलते हैं, या 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होती है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इक्वल टू F/m होती है। देखिए F/m इसमें होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? F/q होती है, क्योंकि उसमें चार्ज होते हैं, इसमें मैग्नेटिज्म है तो पोल होते हैं, तो यहाँ F/m हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? देखिए F/q होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर F/m है तो न्यूटन पर वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसको यहाँ पर एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे M/1 4π μ0 μr × d² हो जाएगा, न्यूटन पर वेबर हो जाएगा, या एम्पियर टन, या NI/L से होता है, या चीज टू NI/L होता है, तो वहाँ से कर लीजिए H=NI/L, तो एम्पियर टन पर मीटर हो जाएगा। मैग्नेटिक देखिए पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है W/Q होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिलाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाने में किया गया कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा? यूनिट मतलब पोल को, यूनिट पोल को इनफाइनाइट से मैग्नेटिक फील्ड मिलाने में किए गए कार्य को मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसके देखिए W/m हो गया। ठीक है, W को क्या लिख सकते हैं? F×d लिख सकते हैं। F×d/m हो गया, तो m की जो होती है देखिए, तो वहाँ से मैग्नेटिक पोटेंशियल जो मिलेगी, f की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है, f की वैल्यू यहाँ से देखिए ये होती है, तो यहाँ से F/m होता है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो M1/4π μ0 μr × d, ये m ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट क्या होती है? देखिए जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और ये एम होता है, एम की वैल्यू जो होती है उसके वेबर होती है, या तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, F×d न्यूटन मीटर पर वेबर होता है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ससेप्टिबिलिटी के की वैल्यू क्या होती है? देखिए के की वैल्यू I/h होती है। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए, याद करने के लिए आपको कन्फ्यूजन होता होगा फार्मूला में, तो H के बाद I आती है, देखिए I आती है, I बाद में आता है लेटर में, तो I/h। ठीक है, के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देखिए के फेरेड होता है, देखिए के की वैल्यू फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके लिए फेरो और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और डायमैग्नेटिक के लिए के की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी जो होती है नेगेटिव होती है। देखिए इसके लिए अगर कोई सॉरी दोस्तों थोड़ा सा हाँ देखिए यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी जो होती है K=I/H होता है, यहाँ से K की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए और पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है। K की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है? वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है। देखिए F=BIL sin θ, तो कोई अगर कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर है, उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मतलब रख दिया जाए, तो उस पर लगने वाला बल जो होता है F=BIL sin θ होता है। ये अगर ये मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर टू पैरेलल कंडक्टर है, उसमें करंट कितनी लगने वाले फोर्स होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें जो फोर्स होता है उसके लिए है 2, तो यह फिजिकल टू 2×10⁻⁷ I1 I2 / d। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। मैग्नेटिक फोर्स फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर कॉयल होता है, तो उसके लिए यह फिजिकल टू NI/L होता है। अगर करंट कैरिंग कॉयल होता है, ये देखिए PGCIL में अभी जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था PGCIL का, उसमें पूछा था ये, तो करंट कैरिंग कॉयल जो होती है NI/2R होती है। यहाँ से हाफ अगर कॉयल है तो NI μ0 NI/4R हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं।
MMF क्या होता है, देखिए ये मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को इस्टिब्लिश करने के लिए काम करता है। मैग्नेटिक जो MMF होता है ये किसके EMF के एनालॉगस होता है। देखिए यूनिट क्या आते हैं, एम्पियर टर्न या गिलबर्ट होता है। ये यूनिट याद रखिए, जितने मैग्नेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट है, यूनिट हमेशा पूछा जाता है। तो MMF देखिए क्या होता है, NI होता है, HL होता है, phi into reluctance होता है। ठीक है, reluctance क्या होता है, it possesses magnetic flux, magnetic flux reluctance हो जाता है। देखिए reluctance मतलब अपोज करता है, जो अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखिए रिलक्टेंस जो होता है L अपन म्यू नॉट म्यू आर बाई ए, एम्पियर टर्न पर वेबर यूनिट होता है। देखिए रिलक्टेंस को और हम लिख सकते हैं MMF अपन फ्लक्स होता है, तो एम्पियर टर्न पर वेबर होता है या 1 बाई हेनरी होता है। ठीक है, रिलेक्टिविटी क्या होती है, रिलेक्टिविटी 1 बाई म्यू होती है। देखिए रिलेक्टिविटी प्रोबेबिलिटी को अपोजिट होता है, इसका मीटर पर हेनरी या हेनरी इनवर्स हो जाता है यूनिट। एनलागस टू रेजिस्टिविटी के एनलागस होता है। देखिए परमियंस क्या होते हैं, रिलेक्टेंस जो होता है रिलेक्टेंस का अपोजिट परमियंस होता है। यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है या वेबर पर एम्पियर टर्न होता है। देखिए यहाँ परमिएंस जो होता है यह शो करता है कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे है वो कितनी मतलब आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, यह शो करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल आता है। तो ये कभी कभी पूछता है कि मतलब जैसे आपका थंब हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, लेफ्ट हैंड के लिए देखिए ऐसे आप अपना फिंगर कर लीजिए लेफ्ट हैंड के लिए। तो देखिए ये आपका मदर हो गया, ये फादर हो गया, ठीक है, मदर फादर चाइल्ड हो गया। ठीक है, मदर फादर चाइल्ड हो गया, या नहीं फादर मदर चाइल्ड हो गया, फादर मदर चाइल्ड मतलब फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, अगर मोटर है तो मोटर में फोर्स लगता है ना, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, थंब जो हो गया फोर्स की डायरेक्शन, ये आपका तर्जनी एंगल जो है फिंगर है इसको आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, और ये जो है मिडिल फिंगर ये आपका करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अगर राइट हैंड रूल देखेंगे, देखिए राइट हैंड रूल तो इसमें क्या होता है, एफ याद कर लीजिए, एफ वी आई या वी आई, तो ये जो आपका हो गया क्या हो गया, आपका मोशन होता है, कंडक्टर को मोशन कराया जाता है, तो जनरेटर होता है, जनरेटर में कंडक्टर को मोशन कराते हैं तब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है। तो इसके बाद इंड्यूस EMF होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसका आपका मोशन हो गया, कंडक्टर का मोशन हो गया, इसके बाद ये फील्ड की डायरेक्शन हो गया, इसके बाद ये EMF हो गया आपका इंड्यूस EMF। ठीक है, ठीक है दोस्तों, स्टेटिक इंड्यूस EMF होता है। देखिए स्टेटिक इंड्यूस EMF तो इजकल टू एन इंटू d∅dt, डायनेमिक इंड्यूस EMF BVL sin थीटा होता है। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस के लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा, KN F BVmax, और ED करंट लॉस के लिए KEF2T2VBmax2 होता है। वह देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे लीकेज कोफिशियंट, अभी आप लोग क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो ये भी देखिए पावर ग्रिड में आया था, अभी जो 13 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो लीकेज कोफिशियंट क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपन यूजफुल फ्लक्स है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अपन यूजफुल फ्लक्स ये तो जानते हैं कि एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स ज़्यादा होगा यूजफुल तो कम ही होगा ना। तो इसके बाद मॉडर्न जैसे मशीन है तो उसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी है, तो 1.12 से लेके 1.26 तक, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला टॉपिक कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।